श्वेता साक्षी, शायद दोनों को लेकर नहीं जा सकते, हम अपनी बेटियों के बिना नहीं जी पाएंगे। मामा, तुम दोनों कहीं पर नहीं गए, तुम दोनों यहीं पर। मामा, हम कहाँ जा रहे हैं? अपने घर। नहीं, अब यही हमारा घर। तुम दोनों कहाँ चले गए? क्या है ना मम्मी, साक्षी को प्यास लगी थी इसलिए वो अकेले के जन्म जाने से डर रही थी, इसलिए वो मुझे भी साथ ले गई। शट अप बुद्धू, तू भी तो अकेले रहने से डर रही थी ना, इसलिए मेरे साथ आ गई। ओके, डोंट लाई। ओके, आई सेड आई एम नॉट लाइंग। नो, ओके ना, डोंट लाई। चलो सो जा। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। तो तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं ना? और फिर मैंने कल ही सहानी को कहकर तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए और ट्रांसफर करवाए हैं। दीदी, 5 लाख नहीं, मुझे उससे ज्यादा रुपयों की जरूरत है, करोड़ों रुपयों की जरूरत है। करोड़ों रुपये? हाँ दीदी, हमारी सारी कंपनीज के अकाउंट्स को मिलाकर हमारे पास कितना कैश होगा? वही कोई 20-25 करोड़ रुपये होंगे। लेकिन बात क्या है? दीदी, मुझे वो सारे रुपए चाहिए, क्या वो सारे रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकती हैं? हाँ, करवा तो सकती हूँ, लेकिन मल्लिका, इतनी भारी रकम से तुम क्या करने वाले हो? दीदी, अगर मुझे एसएसके एंटरप्राइजेस के खिलाफ बाजी जीतनी है तो दाव बड़े खेलने होंगे। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारे दाव क्या है? पूरे हिंदुस्तान में एसएसके एंटरप्राइजेस का जितना भी माल है उसे खरीद कर मैं अपने गोडाउन में भर लूंगी। इससे क्या होगा? उन्हें लगेगा कि उनके माल के साथ चलाई गई स्पेशल गिफ्ट आइटम की स्कीम कामयाब हो गई है और मार्केट में उनके माल की डिमांड बढ़ गई है। ये तो सच है, मगर इससे तुम्हारा क्या फायदा? दीदी, यही तो मैं चाहती हूँ, जब ऐसा होगा तो डिमांड्स पूरी करने के लिए उन्हें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी होगी। और प्रोडक्शन बढ़ाने से तो उनका मुनाफा और भी बढ़ जाएगा। मल्लिका, मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम चाहती क्या हो। जब इंसान बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने लगता है तो उसका लालच बढ़ जाता है और वो अपने लालच में आकर और रुपया कमाने के लिए सरपट दौड़ लगाने लगता है। एसएसके एंटरप्राइजेस वाले भी यही करेंगे। लेकिन इससे तो उनकी तरक्की होगी, विनाश कैसे? जब कोई इंसान अपनी आंखों पर लालच की पट्टी बांध कर दौड़ लगाता है तो उसे अपने सामने की खाई तक नजर नहीं आती और वो खुद ही उसमें छलांग लगा देता है। एसएसके एंटरप्राइजेस का मुनाफा उनके घाटे की सबसे बड़ी जड़ होगा। इतना घाटा होगा उन्हें कि वो चाहकर भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। पर उनके घाटे के साथ साथ हमारे पैसे भी तो डूब जाएंगे ना? दीदी, उनकी बर्बादी के लिए मैं ये कीमत तक देने के लिए तैयार हूँ। ऑलराइट, तो फिर मैं फंड्स तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करने का इंतजाम कर देती हूँ, बट मैं कंपनी अकाउंट से फंड्स डायरेक्टली तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करूंगी।
मगर क्यों? और फिर इस तरह से मैं वो पैसा इस्तेमाल कैसे कर पाऊंगी? कर पाओगी, तुम डेफिनेटली कर पाओगी। मैं तुम्हारा एक नया अकाउंट खुलवाऊंगी, सिर्फ मलिका या तो फिर किसी भी फर्जी नाम से, जिसका डायरेक्ट लिंक हमारी कंपनी के सभी अकाउंट्स के साथ होगा। और फिर बैंक को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देकर ये सुविधा मैं हासिल कर लूंगी कि तुम जब भी चाहो हमारी कंपनी के किसी भी अकाउंट से इस फर्जी अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर कर सकती हो, और फिर जरूरत के मुताबिक इस फर्जी अकाउंट से तुम्हारे पर्सनल अकाउंट्स में। लेकिन दीदी, ऑल दिस इज सो कंफ्यूजिंग, इन सब चीजों की जरूरत क्या है? जरूरत है मल्लिका, रानी हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ गया है, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी हालत में वो इस प्लान की बू सूंघता हुआ तुम तक पहुंचे। और अगर उसके हाथ कोई सुराग लग भी गया तो इस तरह वो इस चक्कर के चक्रव्यूह में घूमता रह जाएगा, पर किसी भी हालत में तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। हमने बहुत ही बुरा सपना देखा, हमने देखा विशाल श्वेता और साक्षी को हमसे छीन कर लेकर जा रहे। हम बिलख बिलख कर रो रहे थे और वो जबरदस्ती उन दोनों को ले गए। खुशी, संभालो अपने आप को, इतना सोचोगी तो बीमार पड़ जाओगी, फिर बच्चियों का क्या होगा? हाँ, तुम्हें आराम की जरूरत है, जा जाकर सो जा। हमें बहुत डर लग रहा है मम्मा, अगर हमारा सपना सच हो गया तो। चलो कंबल ओढ़ो और सो जाओ। ये क्या कर रही हैं आप? अब हम बड़ी हो गई हैं, जब जरूरत होगी तब हम खुद ही ओढ़ लेंगे। नहीं, अभी ओढ़ना पड़ेगा, सोने के बाद तुझे होश नहीं रहता, ये मुझसे बेहतर और कौन जानता है। हाँ? हो गई होगी तू बड़ी, लेकिन मेरे लिए तू अभी भी वही प्यारी सी नन्ही सी खुशी है, जिसकी भोली सी सूरत देखकर मेरा तो दिन ही बदल जाता था। तेरी एक हल्की सी मुस्कान मेरे सारे दिन की थकान दूर कर देती थी। मम्मा मम्मा करके सारा घर सर पे उठा लिया करती थी। अब तू आ गई है ना, अब फिर से ये घर उन्हीं आवाजों से गूंज उठेगा। अब हम ऐसा क्यों करेंगी? अब तू नहीं, तेरी बेटियां ये सब करेंगी। ये घर फिर से बच्चियों की शरारतों से खिल उठेगा। हाय संजना। हाय। कहो कुछ काम था? हाँ, एक्चुअली मैं तुमसे एक रिटर्न फेवर लेने आई हूँ। रिटर्न फेवर? जैसे टेंडर फाइल करने से पहले तुम मुझसे कोटेशंस डिस्कस करने आती हो ना, वैसे ही मैंने भी सोचा कि ये सिलवासा वाला सेटअप लेने से पहले तुम्हारी एडवाइस लूँ। आओ बैठो ना, मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बता देती हूँ, फिर देखते हैं व्हाट यू हैव टू टेल मी। एक्चुअली मलिका, आई हैव नथिंग टू से अबाउट इट। तुम ये विशाल के साथ क्यों नहीं डिस्कस कर रही थी? क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुम दोनों एक साथ उठते बैठते हो, घूमते फिरते हो, और जब तुम दोनों एक साथ होटल में रात भी गुजार सकते हो तो। संजना चलो अब फटाफट अपने मम्मा के पास जाओ और कपड़े पहन लेना। ओके ओके, मैं देखती हूँ। लो नानी। अब क्या है? क्या है? क्या हुआ? ये क्या है?
क्या है? बिल्कुल बदमाश है, अपने मम्मी पर गई है। नमस्ते बेटा। आ, अगर हमारा सपना सच हो गया तो विशाल और उसके घर वाले बाबू श्वेता साक्षी बोले। संजना, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, अब कह दो कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। लेकिन मलिक का आपको भी फर्क नहीं पड़ता, तुम विशाल के साथ जो चाहो कर सकती हो। तुमने मेरी दोस्त की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी, तुमने उससे उसका पति छीन लिया। अरे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। मैं तुम्हें क्या समझती थी? और तुम संजना, मेरी डोंट टच मी, प्लीज लीव मी अलोन। आप मुझे अंदर आने को नहीं कहेंगे? आइए जी। वैसे तो ये काम नीलम करती है, मगर उसकी गैर मौजूदगी में ये काम मुझे करना पड़ रहा है। काम? मुझे उम्मीद है इस काम में आप मेरी पूरी मदद करेंगी। कैसा काम भाई साहब? खुशी को समझाने का काम कि उसने अपना घर अपना परिवार छोड़कर गलती की है। बिमला जी, आप ही उसे समझा सकती है कि पति के गलती करने पर उसे छोड़ा नहीं जाता, उसे सुधारा जाता है। मैं मानता हूं कि विशाल ने गलती की है, मगर खुशी को भी चाहिए था कि उसे सुधरने का एक मौका दे। कितनी बार जी, कितनी बार पत्नी को अपने पति को सुधरने का मौका देना चाहिए, और हर बार पत्नी से ही क्यों उम्मीद की जाती है कि वो अपने पति की हर गलती को माफ करके उसे अपना ले। पत्नी ही क्यों सीता या सती सावित्री बनकर जिए? पत्नी बच्चलन हो तो उसे छोड़ने का अधिकार पति को है, मगर पति बच्चलन हो तो उसे छोड़ने का अधिकार पत्नी को नहीं। क्यों क्यों उसे ये सब चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ता है, ये सोचकर कि उसके पास अपने पति के घर के अलावा कोई और ठिकाना नहीं है, वो कहां जा सकती है? ये आप क्या कह रही हैं भांजी? मैं ठीक कह रही हूं भाई साहब, मगर मेरी बेटी को ये सब बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। उसका ठिकाना है, उसका अपना घर है, उसकी माँ है। बिगड़ी जिंदगी दोबारा सवारी जा सकती है, मगर बिगड़ा पति नहीं। एक बार जो फिसला वो बार बार फिसलेगा। गलती को सुधारा जा सकता है, नियत नहीं। माफ कीजिए भाई साहब, ये सब जानते हुए मैं अपनी बेटी को उस नर्क में नहीं धकेल सकती, और आज जो विशाल का रूप मैंने देखा है उसे देखने के बाद तो मैं खुद नहीं चाहूंगी वो उसके पास वापस जाए। बहन जी, आपकी कही एक एक बात सही है। सच मानिए तो मेरे भी ख्याल आपके जैसे हैं, और आज मुझे यह सुनकर खुशी हुई है कि मेरी बहू के पास एक ऐसी माँ है जो हर दुख में चट्टान बनकर उसके साथ खड़ी है। एक ऐसी माँ जिसके लिए अपनी बेटी की खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
जी भाई साहब। देखिए बहन जी, एक ससुर होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं अपनी बहू को घर ले जाने की कोशिश करूं, और वही फर्ज निभाने के लिए मैं यहां आया हूं। विशाल ने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। Just leave me alone। नहीं जाऊंगी मैं। जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम्हें सुनना पड़ेगा। वो खुशी, देखो खुशी के खिलाफ एक शब्द भी मत कहना। तुमने उस बेचारी की जिंदगी तबाह कर दी। तुमने उसके जीवन से मुस्कुराहट छीन ली। क्या कसूर था उसका? यही ना कि उसने उसके पति पर विश्वास किया था, तुम पर। तुमने उसके पीठ पीछे छुरा घोप दिया। बताओ क्या कसूर था उसका, जवाब दो। संजना मेरी बात तो सुनो, मुझे दूर रहो। संजना मैं जानती हूँ तुम खुशी से बहुत प्यार करती हो और उसका दुख देख नहीं सकती, मगर मेरा यकीन करो खुशी के दुख का कारण मैं नहीं हूँ। संजना मेरी तरफ देखो, मैं सच कह रही हूँ। ट्रस्ट मी, मेरा और विशाल का कोई नाजायज संबंध नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। तो फिर असलियत ये है कि महीनों से विशाल मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो बहाने बना बनाकर मेरे करीब आने की कोशिशें करता रहता है, प्रेजेंस भेजता है, जहां मैं जाती हूँ वहां पहुंच जाता है, मीटिंग्स में, क्लब्स में, पार्टीज में, हर जगह। मैं बहुत अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ मगर वो नहीं मानता। आउट ऑफ टाउन जाऊंगी किसी कॉन्फ्रेंस के लिए तो वो वहां भी आ जाते हैं, जैसे खंडाला पहुंच गया। संजय मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात पर विश्वास कर। अगर ऐसी बात थी तो तुमने विशाल को डांट कर भगा क्यों नहीं दिया? तुमने उसे क्यों नहीं कहा कि मुझसे दूर रहो? मैंने उसे हजार बार कहा मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। तो तुम हमसे कहते? मैं डर गई थी, तुम लोगों से कहूंगी तो पता नहीं तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। संजना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ खुशी विशाल से कितना प्यार करती है। विशाल उसकी पूरी दुनिया है, उसी के नाम की सांस लेती है वो। मैं उसे कैसे कह देती कि जिस आदमी से तुम इतना प्यार करती हो, जिसकी पूजा करती हो, वो एक फ्लर्ट है, दूसरी लड़कियों पर नजर है उसकी, और इस बार उसकी नजर मुझ पर है। नहीं संजना, मैं खुशी का दिल नहीं तोड़ सकती थी। मैं उसके हंसते खेलते घर को नहीं तोड़ना चाहती थी। भले ही वो गलत फहमी में जी रही थी मगर मैं ऐसा नहीं कर सकी। संजना मैंने सोचा था कि वक्त के साथ साथ मैं विशाल को समझा लूंगी, मगर मुझे क्या पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। मैंने सिर्फ खुशी का घर बचाने की कोशिश की है, बस यही कसूर हुआ है मुझसे। मलिका अगर ये सच है तो यही सच है, ट्रस्ट मी यही सच है। अब खुशी का क्या होगा? जो होगा अच्छा होगा। खुशी विशाल के बिना ज्यादा सुखी रहेगी। ऐसे आदमियों को उनके किए की सजा जरूर मिलती है, और अब खुशी को उसके किए की सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए संजना कि आने वाले तूफान की थपेड़ी खुशी को नहीं सहनी पड़ेगी। मलिका, you're right। ओह मलिका।